अब गाइस WWE के अंदर आपने एक चीज जरूर सुनी होगी जिसे बोलते हैं हम पासिंग द टॉर्च। जैसे कि अगर कोई बड़ा सुपरस्टार होता है तो जैसे ही वो जाने वाला होता है एक नया सुपरस्टार जो है वो WWE खड़ा कर देती है जो कि उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि स्टोन कोल्ड और रॉक जब थे तो वो टॉप गाइज थे, उनके बाद जब वो चले गए तो फिर जॉन सीना वो बंदे बन गए। जॉन सीना के जाने के बाद रोमन रेंस आ गए। अब रोमन रेंस जब जाएंगे तो उनके बाद कौन सा वो बंदा होने वाला है जो कि WWE का टॉप गाय बनने वाला है? तो रोमन रेंस से सेम सवाल पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप पास करना चाहोगे टॉर्च नेक्स्ट अपने बाद। तो रोमन रेंस से यहाँ पर पूछा जाता है, रोमन रेंस बताते हैं कि यार वैसे देखा तो इस वक्त कोई भी नहीं है उस लेवल का फिलहाल के समय में, बट हाँ कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं फेवरेट नंबर टू बुला सकता हूँ और उनमें से एक नाम उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है जिसका नाम है ड्रू मैकइंटायर। उनका कहना है कि भाई ड्रू मैकइंटायर एक ऐसे बंदे हैं जिनको मैं टॉर्च पास करना चाहूंगा अगर इन फ्यूचर मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उन्होंने कहा भाई ड्रू मैकइंटायर में वो बात है, वो मतलब वो अटेंशन जो है वो ग्रैब करते हैं तो वो उनके अंदर एक अलग सी बात है जिसकी वजह से उनके बारे में वो ये चीज सोचते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चीज ऐड करी यहाँ पर कि फिलहाल अगर देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर भी वहां पर नहीं है क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर बोला कि जिस तरीके से जॉन सीना को जब जाना था उनको नई चीजें ट्राई करनी थी, अपनी हेल्थ का उन्हें ध्यान रखना था क्योंकि वो हॉलीवुड के अंदर गए तो उन्हें एक बंदा चाहिए था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मैं वो बंदा था तो मैं वहां पर आया। इवेंचुअली जब मैं जाऊंगा तो मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, बट फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई भी नहीं है एट दिस पॉइंट। अब आप में से काफी लोग समोआ जो कि इन रिंग रिटर्न के लिए काफी ज्यादा बैडली वेट करते हैं कि भाई कब हमें देखने को मिलेंगे समोआ जो इन रिंग, और आपके लिए अच्छी न्यूज है अगर आप ऐसा सोचते हो बिकॉज भाई यहाँ पर समोआ जो ने इस बात का जवाब सीधे सीधे कहते हुए कहा है कि भाई एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी वो इन रिंग वापस आपको देखने को मिलने वाले हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बॉक्सेस है जो कि टिक करने, यानी कि अब उनके कहने का शायद मतलब होगा कि कुछ ऐसी स्टोरी लाइन है या सेटअप है, मतलब जिस तरीके से उनको इन रिंग में लाया जाएगा वो स्टोरी लाइन वगैरह जो भी होगा मतलब वो चीज अभी करनी बाकी है तो वो चीजें अभी हो रही है। उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा लंबा समय हो चुका है, बट उन्होंने ये भी कहा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे अंदर से जो खून है वो उबलने लगता है और तुम्हें फील हो जाता है कि फलानी चीज तुम करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से अब रेडी है इन रिंग रिटर्न के लिए और कुछ चीजें हैं जो कि अभी सेटअप की जा रही है उनके रिटर्न के लिए। सो लेट्स सी भाई कब हमें समोआ जो देखने को मिलेंगे इन रिंग, बट हाँ ये गुड न्यूज है जो भी समोआ जो के फैन है या फिर जो लोग भी उनको देखना चाहते हैं इन रिंग में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं इन रिंग समोआ जो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपको एक अपडेट दी थी कि भाई विंस मैकमहान जो है वो जाने वाले हैं परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर खुद पर्सनली और वहां पर वो चीजें जो है वो देखना चाहते हैं। अब काफी लोग जो है वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर डर गए थे, जो भी इंप्लॉयज वगैरह सुपरस्टार्स है जो भी है सब डर गए थे बिकॉज खुद विंस मैकमहान जाने वाले थे पर्सनली। और आजकल आपको बताया भाई फायरिंग वाला सीन चल रहा है, विंस मैकमहान जो है वो काफी लोगों को फायर कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी लोग डर चुके थे कि भाई अब किसका नंबर होने वाला है नेक्स्ट, क्योंकि जब वो खुद जाने वाले हैं वहाँ पर पर्सनली तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जो कि चेक करेंगे जो कि उनको पसंद नहीं आएगी, तो सभी वहाँ पर डरे हुए थे। तो यहाँ पर एक न्यूज आई है परफॉर्मेंस सेंटर से जहाँ पर तीन ऐसे बंदे हैं जिनको WWE ने रिसेंटली साइन किया है अपने परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, तो ये अभी ट्रेनिंग वगैरह लेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फोटो के अंदर। ये तीनों सुपरस्टार जो WWE ने साइन किए रिसेंटली, जिसमें से अगर आप फीमेल सुपरस्टार की बात करो तो ये सिंगापुर से, और जो दो मेल सुपरस्टार्स हैं ये दोनों चाइना से एक नया वायरस लेकर जा रहे हैं WWE के अंदर, वायरस नहीं अपना मतलब टैलेंट लेके जाने वाले हैं। सो अभी काफी साल लगेंगे, सो लेट्स सी भाई दोनों में और इन तीनों में क्या पोटेंशियल है वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा, क्या हमें कभी ये मेन शो या NXT के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर वहीं से टाटा बाय इनको कर दिया जाएगा। एक छोटी सी अपडेट है कि फॉर्मर WWE स्टार पैट राइट हैज पासेस अवे और इनकी एज थी 59, तो उस हिसाब से आप ज्यादा भी नहीं कह सकते इस एज को। 90s में इन्होंने काम किया है WWE के साथ। वहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज इनके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि जो ये म्यूजिक यूज किया करते थे अपना एंट्रेंस म्यूजिक, उसी सेम एंट्रेंस म्यूजिक को कर्ट एंगल ने भी अपनी इनिशियल डेज में यूज किया है। सो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात थी। फिलहाल ही इज नो मोर विद अस, तो रेस्ट इन पीस टू हिम एंड कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली। अगली अपडेट है शिंस्के नाकामुरा और फिन बैलर के बारे में। अब हुआ गाइस ये है कि ट्विटर पर फिन बैलर ने एक फोटो शेयर करी है जो कि फोटोशॉप की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई फिन बैलर का फेस है इस फोटो के अंदर और बाकी जो बॉडी वॉडी है वो सब शिंस्के नाकामुरा की है। तो ये फोटो जो यहाँ पर शेयर करी फिन बैलर ने, तो उसके बाद इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है शिंस्के नाकामुरा का, जहाँ पर वो इसको नाम भी दे देते हैं एक हैशटैग फिनसुके। तो यहाँ पर ये उन्होंने नाम दिया और इसके बाद फैंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या इन दोनों के बीच में एक राइवल भी देखने को मिलेगी, क्या फिन बैलर जो है वो शिंस्के नाकामुरा के अगेंस्ट जाने वाले हैं उनके ट्वीट से या फिर उनके इस फोटो से, तो यही लगा था। बट उसके बाद भाई शिंस्के नाकामुरा ने तो भाई ये चीज बता दी कि इन दोनों के बीच में जो है वो चीजें काफी ज्यादा कूल है। सो क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में कुछ फ्यूचर में, ये तो इन दोनों के माइंड में ही है या फिर होने भी वाला है या फिर ये नॉर्मली ऐसे ही शेयर करी उन्होंने, तो ये तो हमें आगे चलकर इन फ्यूचर ही पता चलेगा। अगली अपडेट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो आई थॉट कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो गाइस अब हुआ ये कि आपको बताया कि भाई WWE के अंदर कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो कि शुरू में WWE के साथ थे, WWE के सुपरस्टार्स थे, पर धीरे धीरे वो चलकर इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि इवन वो WWE की कंपनी के नाम से भी बड़े नाम बन गए। जैसे कि रॉक आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल, और उसके बाद अब जॉन सीना आपको देखने को मिले, उससे पहले हुल्क हॉगन, स्टोन कोल्ड, ये सब आगे चलकर बहुत बड़े नाम बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। तो गाइस हुआ ये कि विंस रूसो जो कि फॉर्मर WWE के हेड राइटर है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि विंस मैकमहान अब नहीं चाहते कि ये चीज दोबारा हो, और अब उनको कोई भी सुपरस्टार अगर ऐसा लगता है कि भाई ये आगे चलकर वही चीज बन सकता है तो वो क्या करते हैं कि वो पर्पसली उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये यहाँ पर विंस रूसो का कहना है
कि ऐसा वो करते हैं, और जब स्टोन कोल्ड रॉक और ये सारे सुपरस्टार जब वो चीज पे पहुंचे थे तो विंस मैकमैन को इस चीज से काफी प्रॉब्लम हुई थी, और अब आपको जॉन सीना के बाद वो एक मेगा स्टार बनते हुए नहीं देखने को मिलेगा WWE की तरफ से। अगली और आखिरी अपडेट पर चलते हैं जो कि अगेन जॉन सीना और रॉक के बारे में है। यहाँ पर ट्रिपल एच से पूछा जाता है कि क्या इन फ्यूचर आपको जॉन सीना और रॉक देखने को मिलेंगे WWE के अंदर। तो यहाँ पर ट्रिपल एच का ये कहना है कि चाहे ये दोनों बंदे जितने मर्जी बिजी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए इनकी लाइफ के अंदर, अगर इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर ये इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज बहुत ज्यादा फन हो सकती है। तो यहाँ पर ट्रिपल एच के साफ साफ ये कहने का मतलब है कि ये दोनों बंदे चाहे जितने मर्जी बिजी हो जाए, जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार या फिर बड़े इंसान बन जाए, पर जब भी WWE के अंदर आने का इनके पास एक अच्छा मौका होगा तो ये दोनों ही बंदे ऐसे हैं कि आपको WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। तो भैया यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रही है हर तरफ से इन दोनों की रिटर्न को। फिलहाल रॉक के लिए तो कोई रिटर्न रूमर नहीं है, पर जॉन सीना के लिए है। सो भाई होपफुली आपको समर स्लैम के अंदर जॉन सीना तो देखने को इस बार मिलने ही वाले हैं। सो इतनी अच्छी बात बताइए तो यार वीडियो को लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया WWE का एक न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्री सर्विस है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। और इसी तरीके से मैं आपके पास लाता रहूंगा WWE न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियो। फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो में परी एंटी मिलेंगे बहुत जल्दी कहीं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।